देश के लगभग हर चौराहे और रोड पर आपको भीख मांगते भिखारी नजर आ जाएंगे, जिन्हें देखकर हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं और उनकी स्थिति के बारे में सोचकर कभी रहम करके कुछ रुपए दान में दे देते हैं या फिर धुतकार कर भगा देते हैं। पिछले साल के सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 4 लाख भिखारी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा होगा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इनमें से करीब 80,000 भिखारी तो अच्छे पढ़े लिखे है। वो आपको अच्छी इंग्लिश तक बोलने तक नजर आएंगे। फिर आखिर क्या वजह है जो ये लोग भीख मांगने पर मजबूर है? हाल ही में कई भिखारी ऐसे पाए गए जो करोड़पति है। ये सुविधा संपन्न है, उनके बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पास अपना खुद का बड़ा बिजनेस भी है, दुकान है और करोड़ों का बैंक बैलेंस है। शायद यही वजह है कुछ लोगों ने काम के बजाय भिखारी बनकर पैसा कमाना ज्यादा आसान समझा और अलग अलग तरकीब अपना कर नकली विकलांग तक बनने का ढोंग करते हैं। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं दुनिया के कुछ ऐसे भिखारियों से जिनके बारे में पढ़कर हंसी के साथ साथ आपको गुस्सा भी आ जाएगा। भिखारी की जगह इन्हें प्रोफेशनल एक्टर कहना ज्यादा सटीक रहेगा। अब आप एक क्लिप में देखेंगे कुछ लोगों ने एक भीख मांग रहे शख्स को घेर रखा है। इसने अपने बच्चे के हाथ पर पट्टी बांधी हुई है और वो उसका इलाज के नाम पर सबसे पैसे मांग रहा था, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे कोई भीख देने से रहा और बच्चे को परेशानी में देखकर लोगों को दया जरूर आ जाएगी। लेकिन शक होने पर लोगों ने इसे पकड़ लिया और बच्चे की पट्टी खोलने की जिद करने लगे। आदमी बार बार मना करता रहा, लेकिन भीड़ उग्र होती गई। यहाँ पर लोगों को भी थोड़ी नरमी से पेश आना चाहिए था, क्योंकि लोगों के चिल्लाने व चिखलाने से बच्चा बहुत डर गया था। आखिर में बच्चे की पट्टी खोल ली गई, लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक था। पोल खुलते ही वो शख्स चलता बना। शरीर से ठीक ठाक होते हुए भी अपने बच्चे को जरिया बनाकर पैसे कमाने का कितना जायज है, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। अब चलते हैं अगले एक्टर मतलब की फेक भिखारी की तरफ, जिसकी सालाना कमाई 70 लाख के करीब है। मिले अमेरिका के गैरी थॉम्पसन से, जो व्हीलचेयर पर चलते हैं, बेगर है और चेहरा टेढ़ा कर बात किसी मेंटली डिसेबल आदमी की तरह करते हैं। इनका एक हाथ भी बेकार है, जरा सुनिए। Chances are you've seen him. शायद ये सब देख और सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए, लेकिन आप भी धोखा मत खाइएगा, ये बहुत बड़े वाले फ्रॉड है। इस शख्स के पास स्पीच पैथोलॉजी की डिग्री है, इसलिए यह इस तरह से मेंटली डिसेबल्ड की तरह आसानी से बात कर लेता है। और यही नहीं, इसने मेडिक एड स्कीम करके अमेरिकी सरकार को भी खुद को डिसेबल बताकर 60 लाख का चुना लगाया है। लेकिन इसकी ये हरकत पकड़ में आ गई और जिन्होंने इसे पकड़ा उसने उनकी तारीफ भी की और एकदम से नॉर्मल हो गया। गैरी को बिना व्हीलचेयर के भी कई बार चलते हुए देखा या बैठा हुआ कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है, टीवी पर भी इसके बारे में दिखाया गया। इसके बावजूद भी इसने ये काम नहीं छोड़ा और दोबारा लोगों को बेवकूफ बनाने लगा। लेकिन एक शख्स ने इसे पहचान लिया, तब ये उससे बहस करने लगा कि मैं वो नहीं हूँ और बस मैं बैठ कर चला गया। लेकिन अमेरिकी सरकार का शुक्र है अब गैरी बेघर नहीं है, क्योंकि उन्हें 14 महीने की जेल जो हो गई है। ऐसे ही लोगों की वजह से तो उन लोगों की मदद नहीं कर पाते जिन्हें इस मदद की असली जरूरत होती है। अब थोड़ा चलते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, वहाँ भी कहानी हमारे भारत से कुछ जुदा नहीं है। एक क्लिप में आप देखेंगे गलियों में एक व्यक्ति पैरों से घिसे हुए हाथों के बल पर चलते नजर आता है। व्यक्ति के साथ में उसका परिवार भी नजर आता है। परिवार को साथ रखने का भी एक मकसद होता है, जरूरी नहीं कि वो उनका ही परिवार हो। जब लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे कैसे खाएंगे क्या पहनेंगे, तो भीख मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ गलियों से गुजरने के बाद आदमी बैठ जाता है, इधर उधर देखता है, अपना पहनावा बदलता और चप्पल पहनकर पैरों के जरिए अच्छे से चलता नजर आता है। पाकिस्तान की इस अगली क्लिप में आप देखेंगे एक रिपोर्टर एक दिव्यांग लड़के से बात कर रहा है, लेकिन इसे ऐसा वैसा रिपोर्टर मत समझिएगा, ये बाबा बंगाली का भी बाप है। इस लड़के की दुख भरी कहानी सुनने के बाद उसे बैसाखी पर चलकर दिखाने के लिए कहता है।
लेकिन हमारा एक्टर, मेरा मतलब कि भिखारी, कैसे पीछे रहता, वो भी पूरी एक्टिंग करता है। अब रिपोर्टर करता है इसका इलाज शुरू और कहता है बिना बैसाखी के चल के दिखा। दरअसल रिपोर्टर को पहले ही मालूम था ये ढोंग करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन लड़का भी एक्टिंग गिरी से बाज नहीं आ रहा था। कभी रिपोर्टर का सहारा लेकर खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, फिर खड़ा करता है, फिर गिर जाता है। लेकिन जब लड़का समझ जाता है कि ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो थोड़ी एक्टिंग करता हुआ चलने की कोशिश करता है। फिर आखिर में दोनों बैसाखी लेकर ठीक से चलने लगता है। लेकिन इस बार बैसाखी इसको नहीं, बल्कि ये बैसाखी को सहारा देते हुए आगे निकल जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क चीन में भी आपको ऐसे नकली भिखारी देखने को मिल जाएंगे। उत्तर पश्चिम चीन के इंजियांग में इस भिखारी को देखकर इसकी लाचारी पर भला किसका दिल पसीजेगा। बेचारा पैर न होने के कारण कितना मुश्किल से टायर लगी पटरी पर रेंग कर चल रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, भावुक बड़ी जल्दी हो जाते हैं आप। सब इस भिखारी की करतूत सबके सामने नहीं आती अगर उसे एक राहगीर ने देखा नहीं होता। राहगीर उसे देखकर चौंक गया। दरअसल उसी सुबह उसने उस आदमी को अपने साथ बस से उतरते देखा था। शायद हमें सारे चीनी एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन वो अपने लोगों में अंतर आसानी से कर लेते हैं। इसलिए उस राहगीर को पूरा भरोसा था कि यह वही आदमी है, इसलिए उसने भिखारी की पैंट खींचनी शुरू कर दी। आसपास देखने वाले भी कुछ लोग जमा हो गए कि मांजरा क्या है आखिर। हाँ, भारत में ये वाकया घटा होता तो शायद ज्यादा भीड़ इकट्ठी की जा सकती थी, लेकिन वो चीन है दोस्तों। खैर छोड़ो, थोड़ा जोर लगाने पर उस राहगीर ने उसकी पैंट खींच ली और जो नजारा लोगों ने देखा उससे हैरान रह गए। दरअसल इसके दोनों पैर सही सलामत है और बस ये पैंट के नीचे पहले ही कपड़ों में पैरों को फंसा कर लोगों को बेवकूफ बना रहा था। उसकी पोल खुलते ही तुरंत अपनी गाड़ी पर रपटते हुए आगे भागने लगा। चीन में ऐसा ही एक दूसरा मामला सामने आया जिसमें भिखारी पैरों को लकवे का शिकार दिखा खुद घसीटता हुआ दिखा। एक रिपोर्टर ने मदद की पेशकश की तो वो गुस्सा हो गया और उसे जाने को कहा। ये देखकर रिपोर्टर ने पक्का मन बना लिया कि इसकी दुखद स्टोरी कवर करनी चाहिए, इसलिए वो उसके पीछे लगा रहा। दूसरी गली में जाने पर रिपोर्टर ने जो देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो भिखारी अब घुटनों के बल बैठकर अपनी गाड़ी घसीट रहा था और उसके बाद पैसे निकालकर गिनती शुरू कर दी। गिनती करने के बाद अपने मैले कुचले कपड़े उतारकर उनको नीचे से साफ सुथरे कपड़े, मैले कपड़े और पैसे का डिब्बा बैग में डालकर फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और भागकर बस पकड़ ली। इसलिए कभी ऐसे किसी को देखे तो पैसे देने की बजाय एक बार जरूर परख कर ले, क्योंकि हमारी संवेदनाओं का फायदा उठाकर ऐसे लोग काम करने की बजाय भीख मांगना ज्यादा आसान समझते हैं। अब आप इस अगली क्लिप में देखेंगे कि ये आदमी कैसे रोड पर घिसट कर चल रहा है और इसका सर लगातार हिला जा रहा है जैसे किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। लोग इसकी दुर्दशा देख भी रहे हैं, लेकिन वीडियो बनाने वाला शख्स आगे जाकर देखा कि ये भिखारी सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा है और सर भी सही सलामत है। अब सुनिए भीख मांगने का अनोखा तरीका। एक महिला एक बच्चे को भीख मांग रही थी, एक आदमी ने इसे रोका और बच्चे को दिखाने के लिए कहा। वो ना नुकर करती रही, लेकिन जो आखिर में उसने दिखाया वो सुनकर आपके कान तंग रह जाएंगे। जिसे अपने कलेजे से लगाकर इस महिला ने चिपका रखा था वो कोई उसका बच्चा नहीं था, बल्कि तौलिया था जिसे बच्चे का शेप दे रखा था। बच्चों को इस धंधे में ज्यादा से ज्यादा आना ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किडनैपिंग के बढ़ते केसों का एक मुख्य कारण ये भी है। अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो आपको भीख ज्यादा मिलेगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस धंधे में लाए जाते हैं। कई बार तो उनके अंग तक काट दिए जाते हैं ताकि ज्यादा दया आए और ज्यादा पैसा मिले। अब सुनिए इस शख्स को कैसे बैसाखी के जरिए कितनी मुश्किल से चल रहा है। लेकिन सामने खड़ा ट्रक ड्राइवर इसे भाप लेता है। हाँ, लेकिन इसे भीख तो नहीं, लेकिन जबरदस्त एक्टिंग के लिए टिप जरूर दे देता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे लोग या ऐसी घटनाओं को देखकर सुनकर नजरअंदाज भी कर देते हैं। अगर हम ऐसी घटनाओं प्रति संवेदनशील हो जाए तो ऐसी लाखों करोड़ों जिंदगियां तबाह होने से बच सकती हैं। आप सभी से गुजारिश है कि भीख देखकर भीख माफियाओं और उससे जुड़े चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बढ़ावा ना दे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिव्यांग होने पर भी भीख मांगने की बजाय अपने आप को उस काबिल बनाते हैं कि वो ईमानदारी और मेहनत से अपना पेट भर सके।
सरकार को भी इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अगर सच में कोई हमारी मदद का हकदार है तो उन्हें खाना खिला दे और बहुत जरूरत होने पर ही पैसे दे। इन नकली लोगों की वजह से इंसानियत से अपना भरोसा मत तोड़ लीजिए। यह एक सोशल अवेयरनेस पोस्ट है। इसका मकसद किसी के फीलिंग्स या किसी धर्म समुदाय को हर्ट करना नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये शानदार वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो के बारे में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके इसलिए अपने दोस्तों और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूले, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ज्यादा से ज्यादा व्यूज ही हमारा मोटिवेशन है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।